कृष्णा जय श्री राधे। कैसे हो दोस्तों आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे दोस्तों। आपके इष्ट की, आपके प्रभु की कृपा आप पर सदैव और सदैव बनी रहे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि राधा रानी जी कौन है, उनका जन्म क्यों हुआ और राधा कृष्ण ने आपस में विवाह क्यों नहीं किया। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर पद्म पुराण के अकॉर्डिंग हम माने तो राधा जी जो हैं वृषभानु जी को यज्ञ भूमि साफ करते हुए मिली थी, तो उनको भूमि कन्या के रूप में राधा प्राप्त हुई। तो ये भी माना जाता है कि विष्णु के अवतार के साथ अन्य देवताओं ने भी अवतार लिया था और वैसे ही वैकुंठ में से स्थिर लक्ष्मी जी ही राधा के रूप में अवतरित हुई थी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि उनका जन्म क्यों हुआ था। दोस्तों ब्रह्म पुराण के मुताबिक राधा और श्री धामा ने एक दूसरे को श्राप दे दिया था। इसके बाद भगवान कृष्ण ने राधा से कहा था कि वह पृथ्वी पर देवी कीर्तिदा और वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्म लेंगी और इस जो श्राप का है वो वही उपाय पाएंगी। एक मान्यता के मुताबिक तो राधा का जन्म कमल के फूल से हुआ था। रावल गांव के राधा का मंदिर था जहां माना जाता है कि राधा का जन्म हुआ था। इस मंदिर के पुजारी के मुताबिक यहां करीब 5000 साल पहले यमुना बहती थी। यमुना में स्नान करते समय कृत यमुना से कमल का फूल प्रकट हुआ था। इस फूल से रोशनी निकल रही थी और वह सोने की तरह चमक रही थी। तब कृतिका जी ने जब उसे देखा और वह पास चली गई तो कमल का फूल पूरी तरह से खिल गया था और उसमें से एक नन्ही सी सुंदर सी बच्ची दिखाई दे रही थी। कहा जाता है कि वह बच्ची कोई और नहीं बल्कि हमारी प्रिय श्री राधा रानी ही थी। एक और मान्यता के मुताबिक तो राधा रानी को भूमि से डायरेक्ट ही निकालकर उनके माता पिता को सौंपा गया था। ऐसे तो बहुत कथाएं प्रचलित हैं दोस्तों कि वो भूमि से प्राप्त हुई थी, भूमि के ऊपर प्राप्त हुई थी, कमल से प्राप्त हुई थी, लेकिन आज तक सत्य कोई भी नहीं जानता। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि राधा रानी कौन थी। राधा रानी को श्री कृष्ण की आत्मा माना जाता है दोस्तों। भक्त उन्हें राधा रमण भी कहकर पुकारते हैं। राधा रानी को युगल सरकार भी कहा जाता है। पद्म पुराण के अकॉर्डिंग वही परमानंद रस को देने वाली हैं, उन्हें ही राधा कृष्ण और उन्हें ही कृष्ण राधा युगल स्वरूप में माना जाता है। राधा रानी को ब्रज की भूमि में ज्यादातर कृष्ण या गोपियों के साथ ही दर्शाया जाता है दोस्तों। राधा रानी को अर्धनारीश्वर रूप में भी देखा जाता है। अर्धनारीश्वर रूप का मीनिंग ये होता है कि आधा जो हिस्सा है वो राधा रानी का होगा और आधा हिस्सा जो है वो श्री कृष्ण का होगा। राधा रानी का जन्म बरसाना में हुआ था, ये हम सभी जानते हैं और उनके माता पिता के बारे में भी हमने जान लिया है दोस्तों। राधा रानी का जन्म की कहानी पद्म पुराण में मिलती है। अगर आप ज़्यादा डीपली जानना चाहते हैं तो आप पद्म पुराण पूरी तरह पढ़ेंगे तो आपको पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। राधा रानी को लेकर और कई मान्यताएं हैं दोस्तों। जो ज्योतिष ग्रंथों के मुताबिक तो विशाखा नक्षत्र को ही राधा कहा गया है, इसलिए राधा रानी को लेकर कई कला रूप भी बने हुए हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो राधा रानी से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उसको बताने के लिए अत्यंत अत्यंत ज़्यादा समय की ज़रूरत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे कि राधा रानी और कृष्ण जी ने विवाह क्यों नहीं किया था। वैसे तो एक कथा ऐसी भी है कि जो ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का गुप्त विवाह करवाया था, उनकी शादी से पहले ही उनका विवाह हुआ था दोस्तों। और एक और भी बात सुनने को आती है कि राधा जी कृष्ण जी से बड़ी थी। तब ऐसी स्थितियां परिस्थितियां नहीं थी कि वो अपने से छोटे किसी भी पुरुष के साथ विवाह कर सकें, तो कुछ रीति रिवाज और सामाजिक बंधनों के कारण भी ऐसा हो सकता है कि उनका विवाह ना हो पाया हो दोस्तों, उनका जो प्रेम है वो अधूरा रह गया। चलिए दोस्तों, फिर भी और भी बहुत कुछ है। जैसे राधा रानी खुद को महलों के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं मानती थी। राधा जी जो राधा यशोधा के पुत्र कान्हा से प्रभु श्री कृष्ण से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, लेकिन जब वह मथुरा गई तो राधा जी ने महलों के जीवन के लिए खुद को उपयुक्त नहीं माना दोस्तों, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण से विवाह ना करने का ही फैसला कर लिया था। राधा और कृष्ण के बीच आध्यात्मिक प्रेम बहुत ज़्यादा था दोस्तों। वो आध्यात्मिक तौर पर आत्माओं से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। राधा और कृष्ण के बीच आध्यात्मिक प्रेम होने के कारण ही उन्होंने इस प्रेम को दुनियावी संबंधों में कन्वर्ट करने में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई, इसीलिए उन्होंने आपस में शादी नहीं की दोस्तों। क्योंकि उनका ये सोचना था कि जब हम सांसारिक गतिविधियों में पड़ जाते हैं तब हमारा प्रेम कहीं खो जाता है। जिम्मेदारियां और घर के बोझ और बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो प्रेम को दबा देती हैं। ये भी एक बहुत कड़ा कारण हो सकता है कि उन्होंने शादी नहीं की।
राधा को कृष्ण से प्रेम था, लेकिन उनके एक मित्र आयान को भी राधा जी से अत्यंत प्रेम था। राधा के बाल सखा आयान को भी राधा से प्रेम होने के कारण वह श्री कृष्ण से अत्यंत ईर्ष्या करता था और कृष्ण जी को हर वक्त नीचित करने की कोशिश करता था, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को मारने की कोशिश भी बहुत की थी। अगर एक बात और जाने तो नारद जी ने भी माँ लक्ष्मी को श्राप दे दिया था, क्योंकि माता लक्ष्मी ने नारद जी के स्वयंवर में उनके साथ एक छल कर दिया था। नारद जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने वैकुंठ पहुंचकर विष्णु जी से नाराज होकर उनको और माँ को श्राप दे दिया था। इस वजह से कृष्ण अवतार में देवी राधा जी से उनको विवाह करने को नहीं मिल सका था दोस्तों। तो राधा का विवाह जो यशोदा के भाई अयान गोपा से हुआ था, और ब्रह्मवेत्त पुराण के मुताबिक तो राधा का विवाह यशोदा के भाई अयान गोपा से हुआ था। इस वजह से राधा जी रिश्ते में कृष्ण जी की मामी बन गई थी। तब तो उनका विवाह होना किसी भी हालात में संभव नहीं था। कृष्ण जी ने रुक्मिणी से विवाह किया, ये हम सभी जानते हैं। माँ रुक्मिणी माँ लक्ष्मी का ही अवतार मानी जाती हैं। इसलिए माना जाता है कि माँ जो रुक्मिणी हैं और श्री कृष्ण हैं, एक साथ होना उनका तो विधि विधान से पहले ही तय हो चुका था। तो चलिए दोस्तों, ये थी कि राधा जी कौन थी, उनका जन्म क्यों हुआ और उनकी शादी क्यों नहीं हो पाई। लेकिन एक और कथा है, वो ये बताती है कि राधा ही रुक्मिणी थी और रुक्मिणी ही राधा थी। जब राधा उनको भूमि से प्राप्त हुई थी, उसके बाद वह अपने पिता के पास पहुंची तो वही रुक्मिणी बन गई थी। तो ये भी हो सकता है कि उस वक्त राधा ही रुक्मिणी और रुक्मिणी ही राधा हो, ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा सूटेबल दिखती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।